नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत हमारे अपने YouTube चैनल इंडियन टेस्ट में। दोस्तों आज मैं फिर आपके सामने पेश हुआ एक नई रेसिपी के साथ में। आज मैं बनाऊंगा ब्रेड गुलाब जामुन। जी हाँ, ब्रेड से गुलाब जामुन तैयार करेंगे। चलिए दोस्तों, इसके लिए जिस सामग्री की आवश्यकता है मैं जल्द से जल्द आप लोगों को बता देता हूँ। देखिए, मैंने ये ब्रेड की स्लाइसें ले लिया हूँ, करीब 10 पीस ब्रेड की स्लाइसें हैं, ठीक है दोस्तों, देख सकते हैं जैसा कि। और उसके बाद मैंने 6 चम्मच लगभग मलाई वाली दूध ले लिया हूँ, ठीक है। 1 कटोरी मैंने चीनी ले लिया हूँ, देख सकते हैं जैसा कि, ठीक है। कुछ किशमिश के दाने हैं मैंने ले लिया है, ठीक है। 3 इलायची ले लिया है और कुछ केसर के रेसे मैंने ले लिया है, ठीक है दोस्तों। चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलिए हम लोग आगे का प्रोसेस शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग गुलाब जामुन के लिए हम लोग इसकी चाशनी तैयार करेंगे। उसके लिए मैंने इंडक्शन पर कढ़ाई को चढ़ा दिया हूँ, देख सकते हैं। इस पर लगभग 1.5 कटोरी के लगभग पानी गर्म कर लेंगे दोस्तों, ठीक है। जितना चीनी लेंगे उससे 1.5 गुना हम लोग पानी लेंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को। और इसकी हम लोग एक तार वाली चाशनी तैयार करनी है, ठीक है दोस्तों। देखिए, पानी जब गर्म हो जाए तब जो हमने चीनी लिया है उसमें हम लोग इसमें डाल देंगे, ठीक है दोस्तों। फिर चम्मच की सहायता से इसको चलाएंगे ताकि ये चीनी पूरी तरह से ये पिघल जाए। इस प्रकार से चलाते रहेंगे, पानी के जैसे जैसे गर्म होता जाएगा थोड़ी देर के बाद में चीनी बिल्कुल मेल्ट हो जाएगा। ये देख सकते हैं जैसा कि चीनी यह बिल्कुल धीरे धीरे मेल्ट हो चुका है, ठीक है दोस्तों। अब इसमें हम लोग जो इलायची लिए हैं वो इलायची हम लोग डाल देंगे। आप चाहे तो आप खड़ी इलायची का यूज कर सकते हैं और नहीं तो आप इलायची पाउडर का भी यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे खड़ी इलायची का यूज कर रहा हूँ, इसे तोड़ के इसमें डाल दे रहा हूँ, ठीक है। देखिए, मैंने तीनों इलायचियों को तोड़ के इसमें डाल दिया हूँ ताकि इलायची का फ्लेवर बिल्कुल इसमें इस चाशनी में आ जाए, ठीक है। और जो केसर के रेसे हमने रखे हैं वो भी इसमें हम लोग डाल देंगे। आपके पास केसर के रेसे हैं तो ठीक है, वरना आप इसको स्किप कर सकते हैं, ठीक है। इसे डालने से इसका टेस्ट बढ़ जाता है, इसलिए मेरे पास था तो मैं इसे इसका यूज कर ले रहा हूँ। चलिए दोस्तों, ये चाशनी बिल्कुल तैयार हो जाएगी। 10 से 15 मिनट तक इसको इसी प्रकार से हम लोग उबाल लाएंगे। चलिए, तब तक हम लोग आगे प्रोसेस शुरू करते हैं। तब तक ये चाशनी तैयार हो रही है, ठीक है दोस्तों। चलिए, ठीक है। देखिए दोस्तों, जो हमने ब्रेड की स्लाइसें लिए हैं उसका हम लोग साइड का जो पोर्शन है ब्राउन कलर का, उसको हम लोग नाइफ की सहायता से काट के हटा देंगे, ठीक है। देखिए इस प्रकार से, बिल्कुल ध्यान से, क्योंकि नाइफ तेज होती है, उंगली कटने का डर है, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग सारी किनारों को, हम लोग सारे ब्रेड की स्लाइसों के किनारों को हम लोग अलग कर देंगे, ठीक है दोस्तों। देखिए इसका जो हम लोग सेंटर वाला पार्ट हम लोग उसे ही लेना है। इसी प्रकार से सारे ब्रेड के किनारों को मैंने ब्राउन कलर था उसको कट कर लिया हूँ, देख सकते हैं कट हो गया है, देख सकते हैं दोस्तों। देखिए, अब चलिए इसे हम लोग मिक्सर ग्राइंडर जार में इसको हम लोग ग्राइंड कर लेंगे, इसका हम लोग पाउडर तैयार कर लेंगे, ठीक है। इसे हाथ से छोटे छोटे टुकड़ों में करके इसको हम लोग मिक्सर ग्राइंडर में जार में डाल देते हैं, फिर इसे हम लोग ग्राइंड कर लेंगे। देखिए दोस्तों, जैसा कि देख सकते हैं कि मैंने इसमें डाल दिया हूँ। अब इसका ढक्कन हम लगा देंगे और फिर इसे हम लोग ग्राइंड कर देंगे, ठीक है दोस्त। चलिए दोस्तों, देखिए ये ग्राइंड हो चुका है, देखिए इसका पाउडर तैयार हो गया है। अब इसे मैं इस बाउल में निकाल लेता हूँ। दोस्तों, अगर आप हमारे YouTube चैनल को पहली बार देख रहे हो, सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़रूर बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है, ठीक है। अब ये दूध 2-2 चम्मच करके हम लोग इसको लेंगे और इससे हम लोग गूथेंगे, इसको डो बना के इसका डो तैयार कर लेंगे दोस्तों, ठीक है। देखिए, ज़रूरत से ज़्यादा एक बार में दूध नहीं लेना है, हो सकता है कि मिश्रण ज़्यादा गीला हो जाए, इस चलते इसको ज़्यादा, इस डो को ना तो ज़्यादा हमें हार्ड रखना है और ना ज़्यादा गीला रखना है, ठीक है दोस्तों। देखिए,
ये डो बिल्कुल तैयार हो गया है। इसे 5 से 10 मिनट तक बिल्कुल इसी प्रकार से गूथना है दोस्तों, और अगर आप नहीं गूथेंगे तो ये बिल्कुल, ये जब फ्राई करेंगे तो ये टूट सकता है गुलाब जामुन। इसी चलते इसे अच्छी तरह से 5 से 10 मिनट तक इसे गूथेंगे, ठीक है। अब देखिए गूथ चुका है बिल्कुल पूरी तरह से, ये सॉफ्ट हो चुका है, ये डो ना तो हार्ड है ना सॉफ्ट है ज़्यादा, ठीक है दोस्तों। चलिए अब इसका हम लोग गुलाब जामुन जितने बड़े आकार में चाहिए आप उस अनुसार से इसका हम लोग गोला तैयार करेंगे। इस प्रकार से देखिए दोस्तों, इसके छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे हम लोग, फिर अंगूठी की मदद से इसे सब प्रेस करेंगे और इसके बीच में हम लोग किशमिश के एक एक दाने डालते जाएंगे। आपके पास है किशमिश तो आप डाल सकते हैं, वरना आप इसे भी स्किप कर सकते हैं। किशमिश डालने से इसका स्वाद बढ़ जाएगा, इसी चलते मैंने किशमिश बीच में इसका यूज कर रहा हूँ, बीच में डाल करके। इस प्रकार से देखिए हमारे बॉल्स तारे तैयार हो रहे हैं, देखिए इसी प्रकार सारे बॉल्स को मैं तैयार कर लूँगा, ठीक है दोस्तों। देख सकते हैं सारे बॉल्स तैयार हो गए हैं। अब हमारी चाशनी भी बिल्कुल बन चुकी है, चलिए दोस्तों देखते हैं चाशनी का क्या हाल है। चलिए दोस्तों देखिए चाशनी बिल्कुल तैयार हो गई है। देखिए अब हम लोग गैस के फ्लेम को या इंडक्शन को बंद कर देंगे, ठीक है। एक तार की चाशनी तैयार हो गई है और इसे ढक्कन से ढक देंगे, ठीक है दोस्तों। देखिए हमारी चाशनी तैयार हो गई है गुलाब जामुन के लिए। दोस्तों ये ब्रेड का बनता है, पर आप किसी को भी खिलाइएगा तो उसे पता भी नहीं चलेगा कि ब्रेड से बना हुआ है। आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को, ठीक है दोस्तों। देखिए तेल गर्म हो चुका है, तेल को ज़्यादा ना तो हाई गर्म करना ना लो गर्म करना, बिल्कुल मीडियम में होना चाहिए और धीरे धीरे इसको डालना चाहिए। देखिए बुलबुला ज़्यादा तेज़ी से ना आना चाहिए, वरना ये गुलाब जामुन फट सकता है। ऐसे बहुत सॉफ्ट होता है, इसी चलते इसे चम्मच की सहायता से एक एक पीस करके इसको हम लोग पलटेंगे और इसी प्रकार से पलटते रहेंगे जब तक ये बिल्कुल लाइट गोल्डन ना हो जाए, ठीक है दोस्तों। देखिए बिल्कुल सॉफ्ट होता है, इसी चलते ध्यान से। दोस्तों आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है ज़रूर बताइएगा। देखिए हमारा गुलाब जामुन बिल्कुल तैयार है लगभग। चलिए अब इससे हम लोग, ये फ्राई हो चुका है, अब इसको हम लोग चलिए निकाल लेते हैं। इंडक्शन को मैं ऑफ़ कर देता हूँ, ना तो ज़रूरत है ज़्यादा फिर जल जाएगा ये, तो अच्छा नहीं लगेगा इसका टेस्ट। देखिए मैं निकाल लिया हूँ, फिर एक टिश्यू पेपर में इसको मैं इसे प्लेट में रख निकाल लूँगा, ताकि इसका जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो उस टिश्यू पेपर में एब्जॉर्ब हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए अब इसे हम लोग चाशनी में डालेंगे। चाशनी हमारी हल्की सी गर्म होनी चाहिए, अगर चाशनी आपको लगे कि अभी ठंडी हो गई है तो उस पर थोड़ा सा गर्म कर लेंगे। देखिए मेरी चाशनी ठंडी हो गई थी, इसलिए मैं थोड़ा सा गर्म कर लिया हूँ। अब एक एक करके इसमें हम लोग गुलाब जामुन के बॉल्स को इसमें हम लोग डाल देंगे और फिर चम्मच की सहायता से थोड़ा उलट पलट देंगे, ताकि चाशनी बिल्कुल गुलाब जामुन के अंदर चली जाए, ठीक है दोस्तों। दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप हमें वीडियो को स्किप करके ना देखें, मैं ऐसे ही प्रयास करता हूँ कि वीडियो हमारी ज़्यादा लंबी ना बने, ठीक है दोस्तों। चलिए अब इसे मैं इसे आधा घंटा तक इसे सोक करने के लिए छोड़ देता हूँ, ठीक है दोस्तों। चलिए ताकि चाशनी बिल्कुल अंदर चली जाएगी। जैसा देखते कि आधा घंटा हो चुका था, मैंने इसे ढक्कन हटा लिया हूँ। देखिए ये बिल्कुल हमारी चाशनी तैयार है। चलिए दोस्तों अब इसको हम लोग सर्व करेंगे। बिल्कुल आप इसे 7 से 8 दिन तक ले फ्रिज में स्टोर भी कर सकते हैं, आप पता भी नहीं चलेगा कि ब्रेड से बना हुआ है इसका टेस्ट। आप बिल्कुल ट्राई कीजिए एक बार दोस्तों, आप बताइए कमेंट बॉक्स में कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी और आपने इस रेसिपी को बनाया तो आपकी रेसिपी कैसी बनी, ठीक है दोस्तों। फिर किसी नई वीडियो के साथ फिर मैं एक बार फिर आपके सामने पेश होऊंगा, तब तक लिए फिर नमस्कार।